हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 8 सितंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन भारतीय एयरटेल में क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन भारतीय एयरटेल 2.44% में पॉजिटिव रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 670.55 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो है आज के दिन अपना न्यू 52 वीक रेंज जो है वो बनाया है। आप देख सकते हैं 680.50 52 वीक रेंज है और डेज रेंज जो है वो भी है 680.50। तो यहाँ पे आज के दिन इसने अपना न्यू 52 वीक हाई जो है वो बनाया है और साथ ही साथ क्लोजिंग भी जो दी है वो बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यहाँ पे अपने जो है ऑल टाइम हाई से जो बहुत ही क्लोज 10 पॉइंट ही जो है डाउन है इसकी क्लोजिंग, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक को बताती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में इसमें क्या देखने मिलने वाला है और क्या ऐसा ही और 52 वीक हाई जो है इसमें जो है बढ़ने वाला है या फिर नहीं, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ कल का क्या आपका रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन यहाँ पे बनेगा उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं भारतीय एयरटेल का वन डे का चार्ट। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमारा बता रहा है एक जो है एक नॉर्मल एवरेज से थोड़ा ज्यादा जो है वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो साथ ही साथ हमारा इंडिकेटर जो है RSI यहाँ पे ये जो है 68 जो अभी जो है ओवरबॉट एरिया में आने ही वाला है और यहाँ पे उससे थोड़ा ही नीचे है। तो इसका मतलब फिलहाल यहाँ पे जो है कुछ और जो है रैली बाकी है, मतलब और अपसाइड आना इस स्टॉक में जो है अभी भी बाकी है। तो वो भी ज़रूर आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। क्या पता आने वाला दिन हो या फिर कल ही जो है आपको इसका 52 हाई जो है फिर से क्रॉस होते हुए आपको देखने मिले। उसके लिए हमें अपने 1 आवर के चार्ट में आपको जो कुछ रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन जो है वो दिखाने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे जो है वो कैसे काम करेगा और कैसे जो है उस स्टॉक को ऊपर जाने से रोकेगा और यहाँ से नीचे से एक सपोर्ट देते जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में जाके। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट में आप देख सकते हैं ये हमने ऑलरेडी जो है हमारे जितने भी पुराने वीडियोस थे एयरटेल के उसी के जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमने ब्लू कलर की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऑलरेडी आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसी की मार्किंग्स है तो हमने ऑलरेडी आपको जो करके दिखाई थी और करके यहाँ पे आपको दी थी। यहाँ पे कुछ नई जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा है उस पर मैं बात करता हूँ। रेजिस्टेंस जोन एज सच यानी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जो 52 वीक हाई जो रेंज होता है वही उसका रेजिस्टेंस जोन जो है वो बन जाता है और यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ जो एक सपोर्ट एरिया की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक नया सपोर्ट एरिया जो है वो बना है जो एग्जैक्ट अभी सपोर्ट एरिया के आस पास ही है 671.35। यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस जोन आता है और यहाँ पे क्लोजिंग जो आज की हुई है वो भी उसी के आसपास ही हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है चांसेस कल इसमें क्या होने वाला है उसकी मैं बात करूँ मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक है आपको डाउन साइड आते हुए देखने मिल सकता है और नीचे का जो एक सपोर्ट जो है यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है, एक नया सपोर्ट यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है जो है 650 का। यहाँ पे 655-656 के आसपास जो है यहाँ पे मुझे एक नया सपोर्ट देखने मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे चांस है 671 से लेके 665 के बीच में जो है इसमें क्लोजिंग आपको देखने मिल सकती है, तो इस पे जो है आपको थोड़ी नज़र बनानी ज़रूरी है। 665 यहाँ पे नीचे का एक दूसरा सपोर्ट आता है आफ्टर 665 जो है अभी अगर नीचे गया तो 665 सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको नीचे के साइड में जो 3656 का जो डाउन साइड देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको कॉशियस रहना है और यहाँ पे जो है अपना जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और साथ ही साथ टारगेट जो है वो भी आपको जो है ऑर्डर बुक में जो है प्लेस करके रख देना है ताकि यहाँ पे जो आप अपना टारगेट भी जो है अचीव कर पाए इजिली। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डाउन साइड आ सकता है 671 से लेकर 665 के बीच में जो है इसमें आपको कल के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें ज़रूर 700 तक जो है ये स्टॉक ज़रूर जा सकता है, तो इस स्टॉक पर आपकी नज़र बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी टेलीकॉम सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा बूम में है और भारतीय एयरटेल और जियो ये दो ही जो है अभी बड़े प्लेयर्स हैं जो अभी आपको टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा जो है स्टॉक में प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आपको इसे
नजर में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है, कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।